हे गाइस, नए ब्लॉग में आपको स्वागतम है। तो आज हम फिर पहुंच गए एक नया जगह में घूमने के लिए हैदराबाद में, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हैदराबाद सिटी से थोड़ा बाहर ही है। तो आपको आने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा या थोड़ा ओला वगैरह बुक करके आना पड़ेगा। और यहाँ पे आके जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अंदर मोबाइल लेके नहीं जाने देंगे, तो मोबाइल जमा हो जाएंगे। तो बाकी देख सकते हो यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी। आज हम बाइक पर आए, तो बाइक को पार्किंग किया वहाँ पे, पार्किंग करके आया अभी अंदर आके पहले वीडियो शूट कर रहे, तो क्योंकि मोबाइल जमा हो जाएंगे तो आपको दिखा नहीं पाएंगे कि अंदर जाके हमने क्या क्या किया। बाकी अंदर जाके मैं जो भी करूँगा, बाहर आके फिर आपको बताएंगे हम कि क्या क्या हमने अंदर जाके या क्या 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 मिल सकते देख सकते अंदर वहाँ पर। तो आपको बाद में करते हैं। बाकी ऊपर देखो प्लेन जा रहा है, हमारा प्यारा सा झंडा, जहाँ पर देखते हम तिरंगा का, तो वहाँ पर हम लोग प्राउड फील करते कि हमारा तिरंगा ऐसे लगेगा। ये भी हवा चल रहा है मस्त, और आज का मौसम जैसा है ना, जैसे कि घूमने वाला मौसम होता है ना, ना धूप ना कुछ, बस आपका हवा चल रहा है मस्त। तो गाइस आगे वहाँ पे मोबाइल जमा हो रहा है, हम वहाँ पे मोबाइल जमा करके आएंगे फिर अंदर जाएंगे। अभी आगे बाइक पार्किंग किया हमने, एंट्री उस साइड से किया है। ये पूरा एरिया देख सकते हो कितना मस्त है, आगे बहुत मंदिर है। एक ही थोड़ा दुख लग रहा है कि अंदर जगह हम फोटो नहीं कर पाएंगे, बाहर से आप कुछ भी फोटो कर सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर भी है अंदर, लेकिन फोटो नहीं कर सकता हम वहाँ पे। ये जो बड़े मूर्ति, इनके एक 110 किलो का गोल्ड का मूर्ति रखा हुआ है अंदर, वो भी देखने जाएंगे हम। ये जो दीवार है इसमें कितना अच्छे से कलाकृति कर रखे, देखो आप। अंदर बहुत सारे मंदिर है ऐसे, अंदर का वीडियो तो कर नहीं सकते, लेकिन ये जैसे पत्थर में खुदाई कर रखा है, देखो कितना अच्छे से खुदाई कर रखा है पत्थर में। हाथी बना रखे ऊपर से, पूरा नक्शा देखो कितना अच्छा अच्छा नक्शा कर रखे इन लोगों ने। डिजाइनिंग बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा एरिया में है ये। सूरज देव आ गया, अभी स्वागतम कर रहे हैं। यहाँ से मेन एंट्री यहाँ से नहीं है, उस साइड से हम आगे जाएंगे, उधर को है आगे जाएंगे हम। पहले आपको दिखा देते इधर को, फिर हम चलेंगे एंट्री में उधर। बाकी सब फोटो खींचने में बिजी है। तो गेट नंबर 2 पे आके अपना फ़ोन जमा करना है, टिकट काटना है, जो कि टिकट काउंटर गेट नंबर 2 पे ही है। आपको गेट नंबर 2 पे आना है, एंट्री करके लेफ्ट साइड को है गेट नंबर 2, और आपको जब मोबाइल आप पिकअप करोगे तो राइट साइड को है, जो वहां पे जाके मोबाइल पिकअप करना पड़ेगा आपको। ये गेट नंबर 2 है, जो कि वो आगे से आना है हमें, वहाँ से आके फिर यहाँ से एंट्री है, अंदर जाने के लिए एंट्री यहीं से है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं, अभी मोबाइल जमा करेंगे, बैग जमा करेंगे, टिकट लेंगे, फिर आएंगे इधर, आके बात करते हैं आपसे कैसा लगा अंदर, फिर आके मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर करता हूँ मैं आके बात आपसे अंदर से जाके, फिर जब बाहर आऊँगा तब मैं करता हूँ बात आपसे, ठीक है, चलो भाई। तो दोस्तों हम आगे बाहर, टीका देख के तो समझ गए होंगे कि हम अंदर गए थे। अंदर 108 टेम्पल है, जो कि हमारा कृष्ण जी उनका जो रूप है वो दिखाया गया अंदर। तो अंदर जगह आप एक एक टेम्पल का देख सकते हो क्या है उसमें क्या नहीं, वो बताएंगे आपको। वहाँ पे जो पुजारी है वो आपको बताएंगे कि उस टेम्पल में क्या है, मतलब उनका रूप में क्या है, क्यों रूप लिए थे, पूरा बताएंगे। कम से कम 2 घंटे हो गए हमें आए हुए यहाँ पर, एक एक चीज़ देखा अंदर। हाँ एक चीज़ और, अंदर एंट्री फी आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद शूज खोलना पड़ेगा आपको और मोबाइल जमा करना पड़ेगा आपको। बाकी बाहर आ गए हम।